नमस्कार साधकों, प्राचीन काल से ही हमारे विद्वानों ने इस बात का पता लगा लिया था कि स्त्री का मासिक बहुत ही काम की चीज है। ये वही रक्त होता है जिससे कि मनुष्य का जन्म हुआ है और इसको तंत्र में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। स्त्री के मासिक पर अगर क्रिया कर दी जाए तो वो बांझ हो सकती है, स्त्री का मासिक रुक सकता है और नाना प्रकार के विकार उसे घेर सकते हैं। अतः जिस भी स्त्री का मासिक का कपड़ा हो वो उसे बेतरतीब ना फेंके, या तो जला दे या जमीन में गाड़ दे। आइए बात करते हैं तंत्र की। तंत्र में ऐसे अनेकों उपचार हैं, अनेकों अनुष्ठान हैं जिससे कि स्त्री अपने पति को, अपने प्रेमी या अपने साथी को अपने वश में कर सकती है। और कई बार जो है इस तंत्र का दुरुपयोग भी होता है। कोई गैर स्त्री किसी के पति को अपने अनुकूल, अपने वश में कर लेती है मासिक धर्म के खून से, तो ऐसा करना एक व्यभिचार होगा, पाप होगा। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि इसमें आप पाप के भागी बन जाते हैं। किंतु अगर आपके पति देव किसी और की तरह विमुख हो रहे हों, या फिर घर में ध्यान ना दे रहे हों, खर्चा पानी ना दे रहे हों, या फिर शराब या कुसंगति में पड़ गए हों, तो आप बस इतना कीजिएगा कि आपका जो मासिक का दिन हो उस दिन अपने रुधिर से, अनामिका उंगली के रुधिर से आपको ये यंत्र बनाना है। अगर आप अपने रुधिर से ये यंत्र ना बना पाए तो आपको कुमकुम से या चमेली के तेल से ये यंत्र आपको बनाना है। और इस यंत्र को चौराहे पर जाकर रख देना है। इसके बाद हफ्ते भीतर आपका जो पति है वो आपका गुलाम बन जाएगा। ये मैंने कईयों पर आजमाया है और इसने सटीक काम किया है। ऐसा कोई भी यंत्र मेरा खाली नहीं गया जो कि असर ना दिखा पाया हो। आप भी एक बार कीजिएगा और आप पाएंगे कि तंत्र की जो क्रियाएं हैं वो कितनी पावरफुल हैं, वो कितनी सटीक लगती हैं और कितनी जल्दी आपका काम कर देती हैं। तंत्र में जिनका विश्वास ना हो वो भी एक बार इस क्रिया को करके देखें और मेरा यकीन मानिए, इसके बाद आप तंत्र की माला जपेंगे, इसके बाद आपको तंत्र में विश्वास हो जाएगा कि ऐसे टोटके भी होते हैं जो आपके अनुकूल कर सकते हैं किसी को, चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो इंसान, इसके बाद वो आपके ही घर का पानी पिएगा।